सहारनपुर में IGRS पोर्टल पर की जा रही लंबे समय से शिकायतों का आज पुलिस लाइन सभागार में निस्तारण किया गया। SP देहात सूरज कुमार राय ने IGRS पोर्टल पर की गई शिकायतों के बारे में पीड़ितों से जानकारी ली और यह जानने की कोशिश की आखिरकार उनकी समस्याओं का निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा। उनके द्वारा IGRS पोर्टल पर इतनी शिकायतें की जा रही हैं। IGRS पोर्टल पर पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों के लिए संबंधित थाना अध्यक्ष व क्षेत्र अधिकारी को तुरंत समस्या के निस्तारण के आदेश दिए गए। आज दिनांक 18 सितंबर 2020 को IGRS के वो आवेदनकर्ता जिनकी 10 से ज़्यादा IGRS की शिकायत पड़ चुकी है हमारे पोर्टल पर, उनको आज पुलिस लाइन सभागार में बुलाया गया और संबंधित सभी क्षेत्राधिकारियों को, सभी CO महोदय लोग को बुलाया गया है और इसमें जो आवेदनकर्ताएँ हैं उनको संबंधित CO को अलॉट किया गया है और यहाँ पे देखा गया है उनके द्वारा कि क्या समस्या है, क्यों इतनी जटिलता है कि लगातार बार बार इनको प्रार्थना पत्र देना पड़ रहा है और इनकी समस्या का निदान नहीं हो रहा है। तो उस संबंध में एक गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें से ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जो पुलिस के स्तर के नहीं हैं, रास्ते का विवाद है, नाले का विवाद है या अन्य कोई विवाद है जिसकी वजह से वो पुलिस के स्तर से उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है और बार बार ये प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। इस संबंध में इनको बताया गया है, इनको हिदायत की गई है कि संबंधित विभाग से बात करके वहाँ कार्रवाई कराएं और जिनका निदान हो सके उनके लिए संबंधित अधिकारियों को मार्क किया गया है ताकि इनकी समस्या का निस्तारण हो सके। कुल सहारनपुर जनपद में 11 ऐसे आवेदनकर्ता हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा बार IGRS किया है। सबसे ज़्यादा एक देवबंद सर्किल का मामला है, उन्होंने 44 बार IGRS किया है और उनको यहाँ पर समझा गया गोष्ठी में। देखिए, ये आकाश नरवाल नाम के व्यक्ति हैं, ये आए नहीं हैं और इनके द्वारा बताया गया कि रास्ते में आ रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।